तो देख सकते हो यहाँ पे 250 को हम लोग कहे थे और 250 यहाँ पे है। तो ये अपना इनाम पकड़िए बाबू, काफ़ी आपको मतलब खुशी होना चाहिए, आप इनाम जीत चुके हो। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। आज हम लोग आइसक्रीम चैलेंज करने वाले हैं। चैलेंज कुछ ऐसा होगा, मतलब 30 सेकंड में 3 आइसक्रीम जो खाएगा उसको हम लोग 250 का इनाम देने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बंदे हैं सब, तो इसमें से हम किसी एक बंदे को पहले बुलाएंगे, उसके बाद उसको मतलब सारा रूल बताएंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। आपका क्या नाम है? मनोज। कहाँ से? मनोज कुमार बघा। बघा से। इनका आइसक्रीम कुछ ऐसा है, नाम बालाजी आइसक्रीम है, ठीक है। तो इसमें से कोई ये आ सकता है लड़का, कोई ना आ जाए, ना जाएगा बाबू, आ जाओ तुम, आ जाओ। तो सबसे पहले अपना आप नाम बताओ, क्या नाम है? रामेश्वर प्रजापति। तो ये आप पहले आए हैं इसमें चैलेंज में? अच्छा, आपको रोल पता है? क्या पता है? 30 सेकंड में 3 बर्फ खाना। हाँ, इनाम कितना है? 250। तो इनको कृपया आप दीजिए, 3 बर्फ दीजिए भैया। तो यहाँ पे बर्फ सब गल रहा है, देख ला सकते हो राहुल भाई। तो हम इनको खिलाना चाहेंगे, कौन आप थे ना, इनको या 3, और आप टाइमिंग चालू करो। तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते हुए आपको खाना स्टार्ट करना है। चलो स्टार्ट करो। तो टाइमिंग स्टार्ट हो गया है, बाबू काफ़ी अच्छा कर रहा है, हमको लग रहा है ये विनर होंगे। गिरेगा तो नहीं मनाएगा, मुँह में रहेगा तो नहीं मनाएगा, ठीक है। ऐसा मत कीजिए, जो रूल है उसको फॉलो कीजिए। आपको मुँह में नहीं रहना चाहिए, और साथ ही साथ नीचे गिराएंगे वो भी नहीं मनाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, 20 सेकंड हो गया और दूसरा ख़त्म करने वाला है, देख सकते हो। तो बाबू गिराइए मत आप, ख़त्म ख़त्म। तो ये दूसरा पहला चैलेंज था जो कि 2 ही बर्फ खाएं और उसके बाद ये हार चुके हैं। दूसरा बार में यह है बाबू, अपना नाम बताओ छोटू। सन्नी। सन्नी, घर कहाँ है? भरा मादावा। तो ये दूसरे में चैलेंज आया है दूसरा नंबर पर, तो आपको रूल पता है ना? हाँ। चलिए ठीक है, टाइमिंग स्टार्ट कीजिए। तो देखिए ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, 2 करके कर्वे कर रहे हैं। ओहो, ये की बात, आपके मुंह में नहीं रहना चाहिए, मुंह में ख़त्म होना चाहिए, नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। अब ऐसे कीजिए, देखिए गिर रहा है, आराम से सावधानी से। 15 सेकंड आपको हो गया, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, 2 बर्फ ख़त्म हो गया, 1 बर्फ और है। मुँह में नहीं रहना चाहिए, नीचे गिरना नहीं चाहिए, और हमको लग रहा है खास जाएंगे, लेकिन देखते हैं। मुँह में है अभी, और टाइमिंग कुछ ही सेकेंड बाकी है। तो ये भाई साहब जीत गए, आप इनको फोकस कीजिए, और इनको इनाम हम लोग लास्ट में देंगे, 5 राउंड कराएंगे। और दूसरा राउंड था ना, तो आप हटिए, एक कोई आए और आइए इसमें से। तो बाबू अपना नाम बताओ। निहाल। निहाल, घर कहाँ है? महादेवा। महादेवा। तो ये बाबू आ गए हैं, देख सकते हो, और इनको चैलेंज पता है ना? तो स्टार्ट कीजिए टाइमिंग। अरे देखिए बाबू गिराइए मत, हाँ आराम से खाइए। देखिए मुंह में नहीं रहना चाहिए, और गिराइएगा मत, ठीक है। देखिए काफ़ी लोग नीचे गिराए हैं, और बर्फ़ भी ऐसे गली रहा है। देखिए देखिए गिरे मत बाबू, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, 15 सेकंड में 1.5 खा चुके हैं, 1.5 और बाकी है, खाइए खाइए। देखो गिराइए मत बाबू, आप लोग तो गिरा रहे हो। तो यहाँ पे देख सकते हो 27 सेकंड हो चुका है, 29:30 ख़त्म हो गया, ख़त्म। तो फाइनली ये चौथा राउंड है, 1 राउंड और बाकी है। बाबू अपना नाम बताओ। सूरज कुमार। घर कहाँ है? महादेवा। महादेवा। तो आपको पता है रूल ना? यस। ठीक है, टाइमिंग स्टार्ट कीजिए, और बर्फ़ गिरना नहीं चाहिए, और मुंह में नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो फिर आप मतलब जा सकते हो, ये नहीं है कि बरियाई कोई है, ठीक है। स्टार्ट कीजिए। देखिए बर्फ़ मत गिराइएगा, ऐसे भी गल गया है, कुछ ही बाकी है। देखिए बाबू अटके ना। हाँ अटके अटके मत, सावधानी से खाइएगा। बाबू गिर रहा है, आपको चैलेंज माना नहीं जाएगा, आप गिराइए मत, और मुंह में मत रखिएगा। देखिए टाइमिंग हो गई, स्टॉप कीजिए 32 सेकंड में, अभी बाबू फ्लॉप जाओ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फाइनली 5वां राउंड है, यहाँ पे अपना नाम बताइए छोटू। धनंजय प्रजापति। घर कहाँ पे? महादेवा। महादेव, खा जाएंगे? एज कितना होगा? खा जाएंगे, ये फंस गया, कुछ खाएंगे। चलिए ठीक है, 3 बर्फ ना, 3 मिनट में खाना है। 3 मिनट में खाना है, एज पूछे बाबू। अच्छा कौन पढ़ते हैं? 4 में। तो नहीं जाके इसलिए बताइएगा। खत्म।
चलिए ठीक है, इतना छोटे बंदा इस चैलेंज में भाग लिया, यही बहुत बड़ी बात है। इनको फोकस कीजिए छोरा छोरे को, और आप खाना स्टार्ट कीजिए। टाइमिंग एक मिनट रुक जाइए, टाइमिंग यहाँ पर टाइमिंग आप देख सकते हो, टाइमिंग स्टार्ट करो। तो बर्फ गिरना नहीं चाहिए बाबू, बस खाइए, मुंह में रहना चाहिए, मुंह में भी नहीं रहना चाहिए, चैलेंज कुछ ऐसा है। तो काफ़ी अच्छा कर रहे हो, 10 सेकंड हो गया आपके पास, एक बर्फ खत्म हो गया, दो बर्फ और है, तो खाते जाओ बाबू। खाओ बाबू, फास्ट मार दो, खाओ खाओ खाओ, बहुत अच्छा कर रहे हो, और मतलब ज़्यादा वो भी नहीं है, कोई दिक्कत हो तो छोड़ सकते हो। 24 सेकंड हो गया, बाबू दूसरा बर्फ खा रहा है, तीसरा हमको लग रहा है खा नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी खिलाया जा रहा है। देखिए स्टॉप देख सकते हो, टाइमिंग एक सेकंड मतलब 31 सेकंड हुआ है, दूसरा में इतना खाए, एक और है। तो फाइनली देख ला सकते हो राहुल भाई कितने लोग के यहाँ पे पब्लिक है, और सारे लोग एक्साइटेड थे देखने के लिए, और कुछ ही लोग भाग लिए थे, इसमें से 5 लोग हम लोग चुने थे। तो विनर कौन थे? ये थे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और काफी अच्छा किए, मतलब 21 सेकंड में कौन खाए थे? 28 सेकंड में 3 खा लिए, 28 सेकंड में 3 खा लिए थे, 2 सेकंड बाकी था तभी 3 खा लिए थे। तो इनके रूल के हिसाब से पैसा जो है इनाम इनको हम लोग दिए जाते रहे। तो यहाँ पे फोकस कीजिए राहुल भाई, तो देख सकते हो यहाँ पे 250 को हम लोग कहे थे और 250 यहाँ पे है। तो ये अपना इनाम पकड़िए बाबू, काफ़ी आपको मतलब खुशी होना चाहिए, आप इनाम जीत चुके हो, एक बार ताली हो जाए, इनाम जीत चुके हैं भाई साहब, तो ताली हो जाइए। तो चावस चावस, अच्छा एक चीज़ और, आप पैसा को क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ? मिठाई उठाई खाएंगे, मिठाई खाएंगे। चलिए ठीक है, कुछ भी कीजिए आपका मतलब। अच्छा जीत के आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। ठीक है गाइज, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बता दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ ही जय हिंद जय भारत।